बेटी, इस घर में जब भी सगाई होती है तब इस घर में आने वाली बहू अपने हाथों के निशान यहां लगाती है। वो इसलिए कि उसकी हाथों की रेखाएं और उसका भाग इस घर से जुड़ जाए। तो अब इस परंपरा को निभाने की बारी तुम्हारी है। ये किसके हाथों के निशान है? तुम्हारी सास मीरा के हाथों के निशान है। जब पहली बार उसने इस घर में कदम रखा तब उसने ये निशान लगाए थे। पापा, तो फिर मैं अपने हाथों के निशान भी यही लगा दूं? माँ तो नहीं है हमारे साथ, लेकिन इसी रूप में मुझे उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। चलो देर सही सही, लेकिन पापा ने हमारी शादी को स्वीकार तो किया। आज पहली बार तुमने इस घर में कदम रखा है, तो तुम्हें इस परंपरा को निभाना है। मीरा, तुम्हें अपने हाथों के निशान यहां लगाने होंगे। ये किसके हाथों के निशान है अमर? ये मेरी मां के हाथों के निशान है। जब पहली बार उसने इस घर में कदम रखा था तब लगाया था। तो मैं भी अपने हाथों के निशान इसी पर लगा दूं? क्योंकि आज मां तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन इसी रूप में मुझे उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। हाँ बेटी, हाँ पूरा। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। ओह थैंक यू। आज मुझसे पहले ब्रेकफास्ट टेबल पर? डैड, जिंदगी में पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। अरे बेटी तू? हाँ डैड, आज सुबह सुबह मैंने इसको यहाँ पे बुला लिया। अब मैंने सोचा कि शादी के बाद माया को तो घर पे आना ही है, ये घर संभालना ही है, तो क्यों ना उससे पहले थोड़ी ट्रेनिंग हो जाए, यू नो डैट। हाँ सुना बेटी, ये सारी बातें कह के मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं उसकी शादी जल्द से जल्द करा दूं। बोलो बेटे, कब का मुहूर्त निकलवाओ? जब आप चाहें, 5 महीने बाद, 2 महीने बाद। कल करोगे शादी? क्या डैड आप भी। अच्छा एक काम करते हैं, अब सगाई तो हो गई है, जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकलवा कर समधन जी से मिलते हैं। नहीं पापा, नहीं, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों, क्या मैं उनसे नहीं मिल सकता? नहीं नहीं पापा, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप तो माँ की बीमारी के बारे में जानते ही हैं ना, और देखिए ना, अगर उन्होंने आपको कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। और फिर उन्होंने हमारी शादी के लिए हाँ तो कर ही दी है ना, क्यों सिद्धार्थ? हाँ बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। क्या बात है सिद्धार्थ, सब ठीक तो है? हाँ डैड, क्यों? जब भी मैं उसकी मम्मी से मिलने की बात करता हूँ वो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टालती है। नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नाश्ता कीजिए ना। ये
लीजिए अंकल, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाई है। वाह, इतने दिनों बाद तुम्हारे हाथों की बनी कॉफी मिली है। That's spirit, बेटा। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने सारी पिछली बातें भुला दी हैं। बेटा बात सुनो, मैं एक बात बताना तुम्हें भूल गया था। बैठो। उस रोज पार्टी में मिस्टर मल्होत्रा मिले थे, अमर के बिजनेस पार्टनर हैं, उनका बेटा है राहुल, अपने पापा के बिजनेस में है, स्मार्ट एंड हैंडसम लुकिंग गाय, और काफी कॉन्फिडेंट और इंटेलिजेंट भी है। होगा तो तुम्हारी और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अगर तुम कहो तो मैं बात आके बढ़ाऊं। पहले तो आप ये बताइए कि कॉन्फिडेंट और इंटेलिजेंट के साथ साथ क्या वो बड़ी उम्र का है, डिवोर्सी है, या फिर उसकी पहली पत्नी मर चुकी है? कनिका, ये तुम क्या कह रही हो? वही जो मेरी किस्मत में लिखा है। मतलब? मतलब ये कि मैंने यहाँ के जाने माने ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाई थी। तुम कब से विश्वास करने लगी इन बातों पर? जब से मेरा अपने आप पर से विश्वास उठ गया है। उन्होंने कहा है कि मेरी कुंडली में साफ साफ लिखा है कि मेरी शादी मुझसे दुगने उम्र के आदमी से होगी, या फिर ऐसे किसी आदमी से होगी जिसकी पहली पत्नी मर चुकी हो। पागल हो गई हो क्या? नहीं, यही सच है, वरना सिद्धार्थ और मेरी बात चाहे तो आप भी कोशिश करके देख सकते हैं, लेकिन होगा वही जो मेरी किस्मत में लिखा होगा। हनी कब? नमस्ते। कौन? मैं आपकी बेटी माया का होने वाला ससुर अमरनाथ। यहाँ क्यों आए हो? आपसे मिलने आया हूँ। आप सगाई में भी नहीं आई और माया से कौन पाया? कैसी बेटी? मर गई वो मेरे लिए। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। तुम भी वही करोगे माया के साथ जो मेरे ससुर ने मेरे साथ किया? मैं जानती हूं तुम, तुम्हारे गंदे इरादों को अच्छी तरह से पहचानती हूं मैं। तुम्हारी नजर मेरी बेटी पर है, तुम उसका जीवन बर्बाद करना चाहते हो, पर नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। और अगर कुछ ऐसा किया तुमने तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चलो नहीं, नहीं क्या कर रही है ये? निकालो, मैंने मना किया था माया को, मना किया था कि उस घर में शादी मत करना जिस घर में सिर्फ ससुर हो सास न हो। मैं जानती हूँ तीन मिठोर लोगों को मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ, पर मैं नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं, बर्बाद। निकालो उस आदमी को यहाँ से, निकालो, निकालो कोई है, निकालो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो। क्या बात है, यूं अचानक बुला लिया? एनी प्रॉब्लम? देव, आज मैं पुणे गया था माया की मां से मिलने, तुम तो जानते हो उसके बारे में, लेकिन आज वहां एक बात ही अजीब सी घटना घटी। मुझे देखते ही माया की मां एकदम वायलेंट हो गई, उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिया उसने, और डॉक्टर ने जब मुझे इसकी वजह बताई तो मैं हैरान हो गया। क्या वजह थी? दरअसल माया के
पिता की मौत के बाद माया की मां के ससुर ने उन पर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। तब उनके जहन में ये बात कहीं घर कर गई है कि मैं भी माया के साथ शायद वही करूंगा जो उनके ससुर ने। देख, क्या कहीं माया की मां का इलाज हो सकता है? इलाज तो हर बीमारी का होता है। अमर, तुम उस मेंटल असाइलम के डॉक्टर का नंबर दे सकते हो? खरीदने आई थी। अच्छा हुआ तुम मिल गई। प्लीज कम एंड हेल्प मी। टेल मी, मुझ पर कौन सी साड़ी सूट करेगी? तुम साड़ी पहनोगी? हाँ, मैं साड़ी पहनूंगी। आज मुझे मेरी फर्स्ट डेट पर जाना है। क्या? मुझे तो लगा कि तुम पूछोगी कि मैं किसके साथ जा रही हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें भी कोई अच्छा सा जीवन साथी मिल जाए। मेरी तुम्हारी जैसी किस्मत कहाँ, अभी तो मेरी सिर्फ शुरुआत है। ये साड़ी देखो, बहुत अच्छी है और तुम पर काफी सूट भी कर रही है। अच्छा ये बताओ कि क्या ये साड़ी 40-50 साल के आदमी को पसंद आएगी? 40-50 साल? हाँ, वो हैंडसम है, बिजनेस टाइकून है, और कहते हैं कि शादी ब्याह के मामले में आदमी जितना ही अनुभवी और मैच्योर्ड हो, शादीशुदा जिंदगी उतनी ही अच्छी बीतती है। मुझे फर्स्ट डेट में ही उन्हें इंप्रेस करना, तो तुम क्या कहती हो, ये ले लूं? इसे पैक कर दीजिए। कनिका देखो, आई एम सॉरी, मुझे कहने का कोई हक तो नहीं बनता, पर इतने बड़े उम्र का आदमी, मतलब तुम अपने अपने ख्यालात हैं, कुछ बीती बातें, कुछ सिद्ध, कुछ है। मुझे यकीन है कि जब तुम हम दोनों को साथ में देखोगी तो तुम्हें भी यकीन हो जाएगा कि मेरा फैसला कितना सही था। हो सकता है माया कि तुम्हारी शादी से पहले तुम्हें मेरी शादी का इनविटेशन मिल जाए। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ, मुझे उन्हें पिकअप करना है। बाय बाय। Won't you wish me luck? All the best, और मिलते रहना। मिलते ही रहेंगे। आखिर एक ही घर में तो हम दोनों को बहू बनकर जाना है माया। बाय बाय। हेलो अंकल, हाउ आर यू? सिद्धार्थ, हम दोनों थोड़ा परेशान हैं। किस बारे में? तुम्हारे भविष्य के बारे में। क्या बात है डैड? सिद्धार्थ, मुझे तुमसे माया के बारे में बात करनी है। देखो, फैमिली फ्रेंड होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं तुम्हें इस बात से अनजान रखूं। आखिर बात क्या है अंकल? सिद्धार्थ, माया की मां के पागलपन के बारे में अमर ने मुझे बताया था। आज उनके डॉक्टर से मेरी फोन पर बात हुई है। सिद्धार्थ, माया के मां के केस में ये मेंटल इंस्टेबिलिटी, ये पागलपन हेरिडिटरी है। उनके मायके में, उनके रिश्तेदारों में औरतें जन्म से नहीं, शादी के बाद तक भी नहीं,
पर मां बनने के बाद ही पागलपन का शिकार बनी थी। ऐसी केस हिस्ट्री से जुड़ा हुआ उनका खाता। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कल को माया भी मां बनने के बाद? आई एम नॉट श्योर। अंकल अगर आप श्योर नहीं है तो ऐसी बातें कह क्यों रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नहीं चाहते कि मेरी और माया की शादी हो इसलिए आप ये सब? सिद्धार्थ, आई एम सॉरी डैड। सिद्धार्थ, माया को देखते ही वो मुझे पसंद आई थी। अब हमें सोचना है तुम्हारे और उसके भविष्य के बारे में। इस घर में तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया और वो बेचारी चल बसी। अब माया इस घर में कदम रखे इससे पहले ही अगर ये बात, देखो सिद्धार्थ, अब इसके बाद तुम या मैं और कोई सदमा, मतलब फैसला मुझे या देव को नहीं, फैसला तुम्हें ही करना है। डैड, मैं फैसला कर चुका हूं और मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। माया को पत्नी बनाने के लिए मैं कोई भी रिस्क उठाने को तैयार हूं, कोई भी। डैड, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपको पता होता कि शादी के बाद मेरी मां की उम्र सिर्फ एक ही साल की है, तो क्या आप उनसे शादी का फैसला बदल देते? There you go. तुम्हारे लिए ये बर्गर विद एक्स्ट्रा चीज एंड योर कॉफी। नहीं माया, भूख नहीं है। क्या बात है सिद्धार्थ, जब से मिले हो तुम चुप चुप हो, गाड़ी भी चुपचाप चलाई, किसी बात से बहुत परेशान हो क्या? नहीं। तो फिर हंसो ना, तुम ऐसे उदास बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और फिर तुम्हें इस तरह देखकर कौन कहेगा कि कल ही तुम्हारी सगाई हुई है। अच्छा चलो एक न्यूज सुनाती हूँ, शायद उसे सुनकर तुम खुश हो जाओ। आज कनिका मिली थी। कनिका कहाँ? साड़ी शॉप में, साड़ी खरीदने आई थी वो। मैं भी गई थी वहां। क्या कहा उसने? बहुत खुश लग रही थी, कह रही थी कि आज डेट पर जाने वाली है। लेकिन जब मुझे पता चला किसके साथ जाने वाली है तो मैं तो दंग रह गई। किसके साथ? नाम तो नहीं बताया उसने, कह रही थी कोई 45-50 साल का आदमी है, हैंडसम है, बिजनेस टाइकून है। सच पूछो तो मुझे उसकी सोच बहुत अजीब लगी सिद्धार्थ। हाँ, और ये भी कह रही थी कि शादी ब्याह के मामले में आदमी जितना एक्सपीरियंस्ड हो उतना ही अच्छा होता है। कुछ और कहा उसने? मेरा मतलब कहाँ जा रही है या? ये सब मुझे नहीं पता, उसने बहुत जल्दी में थी। कह रही थी कि उन्हें पिकअप करने जाना है, और जानते हो साथ में ये भी कहा कि हो सकता है उसकी शादी हमारी शादी से पहले हो जाए। पैतालीस पचास साल का आदमी है, साथ में हैंडसम है, बिजनेस टाइकून है, शादी हमारी शादी से पहले हो जाए। पचास साल का आदमी है, साथ में हैंडसम है, बिजनेस टाइकून है, उसकी शादी हमारी शादी से पहले हो जाए। कनिका, कनिका आओ। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें एक्सपेक्ट कर ही रही थी।